Good morning, children. Hope you all are fine and safe at home. Today in this class, we are going to do a very new lesson from our English grammar book. Name of the lesson, lesson number 6, possessions. Okay, children. So let us see what are possessive nouns. Possessive nouns tell us who owns what. Yani ki possessive nouns हमें ये दर्शाते हैं या हमको ये बताते हैं कि किसकी क्या चीज है, कौन सी चीज किसकी है, है ना. फॉर एग्जाम्पल आप और अच्छे से यहाँ एग्जाम्पल्स देखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं. लालीज बुक, इसका मतलब क्या हुआ कि बुक किसकी है, लाली की. फिर द गर्ल्स बैग, किसका बैग है, वो बैग किसको बिलोंग कर रहा है, गर्ल्स का. तो इस तरीके से हमको जो वर्ड्स ये बताते हैं कि कौन सी चीज किसकी है वो हमारे पोजेसिव नाउंस होते हैं. नाउ विद दिस एक्टिविटी इट विल बी वेरी मच क्लियरर टू यू. नाउ लेट्स सी, दिस इज अ फार्म सीन एंड व्हाट आर दे आस्किंग यू, सम वर्ड्स आर गिवन एंड यू हैव टू मैच दैट हु ओन्स व्हाट. नाउ लेट्स सी द मैन्स इन द पिक्चर, व्हाट आर यू सेइंग, मैन के पास क्या है, मैन के पास उसका प्लाउ है ना, तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, मैन्स को प्लाउ के साथ मैच करोगे. फिर द वुमन्स, वुमन के पास क्या है, बास्केट, तो वुमन्स बास्केट. फिर बॉयज डैश, बॉयज के पास क्या रखा हुआ है, कैट, इसलिए बॉयज को कैट के साथ मिलाएंगे. हैंस, हैन का क्या है वहां पे, एग्स, वो एग्स बिलोंग करती है ना हैन का, तो इसलिए आप मैच करोगे हैंस को एग्स के साथ. फिर द काउस, गाय के पास क्या है, गाय की कौन सी चीज है, गाय के पास उसका काफ है, तो वो काफ किसको बिलोंग करती है, काउ को, इसलिए द काउस काफ. फिर द डॉग्स, डॉग के पास क्या है, बोन, तो द डॉग्स बोन. इस तरीके से बच्चों आपको इससे समझ में आया होगा कि पोजेसिव नाउन हमको ये बताते हैं कौन सी चीज किसकी है. इन द सेम वे अनदर एक्सरसाइज इज गिवन टू यू. इन दिस एनिमल्स एंड देयर साउंड आर गिवन, आपको सही जानवर की सही उनकी आवाज के साथ उसको मैच करना है. द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन, बियर्स ग्राउल, देन जैकल्स हाउल, देन कैमल्स ग्रंट, डक्स क्वैक, आउल्स हूट, बीज बज, क्रिकेट्स चिर्प. ओके चिल्ड्रन, there are two ways in which you can write the sentence to show कि कौन सी चीज किसकी है. See the examples below. The two ways are written. पहले वाले वे में देखो क्या लिखा है, the room of my brother. इससे क्लियर हो रहा है कि रूम किसका है, भाई का है. और उसी तरफ दूसरी तरफ देखो उसी सेंटेंस को किस तरीके से लिखा गया है, my brother's room. So what did you see in both the sentence? कि इन द फर्स्ट सेंटेंस एपोस्ट्रॉफी एस नहीं है, वहां पे ऑफ आ गया है, द रूम ऑफ माय ब्रदर. और उस साइड में ऑफ हटके वहां पे ब्रदर्स में क्या हो गया, एपोस्ट्रॉफी एस आ गया. कहने का मतलब हम ओनरशिप को बताने के लिए दो तरीके से हम सेंटेंस लिख सकते हैं, एक बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस और एक बाय यूजिंग ऑफ. ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू दैट हमको ओनरशिप बताने के लिए दो वेज हैं सेंटेंस को लिखने के लिए. एक हम एड जब अपोस्ट्रोफी एस करते हैं तो भी ये बता दे, ये सेंटेंस बताता है हमको कि किसका क्या चीज है. और एक जब हम ऑफ को यूज करते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो वी कम टू नो कि हु ओन्स वॉट. ओके, नाउ अ फर्स्ट एक्सरसाइज इज use of to change the following words with apostrophe s. One has been done for you. Now, as we have seen till now, there are two ways to write the sentence to show the position of the thing. So, यहाँ पे आपको सेंटेंस कैसे दिया, apostrophe s के साथ. अब आपको क्या करना है, इसका दूसरा वे लिखना है, माने कि apostrophe s के साथ नहीं, of लगा के इसी सेंटेंस को of के साथ लिख के पोजिशन बताना है. तो द फर्स्ट सेंटेंस इज द इंजन्स नॉइज. अब उसको ऑफ लगा के सेंटेंस को कैसे लिखोगे, द नॉइज ऑफ द इंजन. दोनों में बात सेम ही पता चल रही है कि किसकी नॉइज, इंजन की नॉइज.
देन द लाइट्स ब्राइटनेस, किसकी ब्राइटनेस, लाइट की ब्राइटनेस, उसके भी दो फॉर्म है लिखने के लिए, पहला है विद एपोस्ट्रोफी एस, ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, अब आपको दूसरे तरीके से लिखना, दूसरा तरीका कौन सा है, ऑफ लगा के, तो आप कैसे लिखोगे, द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, इन द सेम वे द फ्लावर्स ब्यूटी, आपको ऑफ लगा के सेंटेंस बनाना है, तो कैसे लिखोगे, द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर, देन द बॉक्सर्स स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉक्सर, देन द चिल्ड्रंस क्लोथ्स, द क्लोथ्स ऑफ द चिल्ड्रन, द प्लेन साइज, द साइज ऑफ द प्लेन, चाइनाज ग्रेट वॉल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसमें ऑफ लगा के आपने सेंटेंस बनाया है. Now in this exercise, the second exercise, what you have to do is, sentence is given to you and you have to use the first form. यानी कि दो तरीके से हमने सीखा था, एक apostrophe s लगा के और एक हमने सीखा था by adding of. तो by adding of वाला तो हमने इससे पहले exercise में करा, अब हम apostrophe s add करके इन sentence को कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं. The keys of the laptop are old. तो किस तरीके से लिखोगे apostrophe s जोड़ के, the laptop's keys are old. Then the sisters of Ramanuj are very intelligent. फिर कैसे करोगे आप इसको, the Ramanujan's sisters are very intelligent. दोनों में बात सेम ही पता चल रही है कि किसके sisters intelligent है, Ramanuj के. This is the room of my grandmother. किसका room, grandmother का room. अब आपको apostrophe s लगा के लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, दिस इज माई ग्रैंड मदर्स रूम. ओके, देन वी लव टू सी द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन, किसकी ब्यूटी, माउंटेन की ब्यूटी, तो apostrophe s करके लिखेंगे, हाउ यू विल राइट, वी लव टू सी द माउंटेन्स ब्यूटी, देन देर इज अ लार्ज स्पॉट, सॉरी देर इज अ लार्ज ब्लैक स्पॉट ऑन द टेल ऑफ द डॉग. How you will write the sentence by adding apostrophe s? There is a large black spot on the dog's tail. She looked inside the engine of the car. She looked inside the car's engine. With this we have learned the two ways how we can write the possession words, by adding s and by using of. With this I am ending the class.